हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि भाई साला 2 की शूटिंग अगले महीने से स्टार्ट होगी। जी हाँ, उस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है जिसका आप सब बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सालार का पहला पार्ट दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था, जिसे बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद किया गया था। फिल्म की सफलता के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील ने कहा था कि वो सालार का दूसरा पार्ट बहुत जल्द लेके आएंगे। तो अभी हाल ही में बॉबी सिम्हा ने कहा है कि सालार 2 की शूटिंग अप्रैल के महीने में स्टार्ट होगी। डायरेक्टर प्रशांत नील ने सालार 1 और सालार 2 की स्क्रिप्ट एक साथ लिखी थी और अभी वो सालार 2 की शूटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर सालार 2 की शूटिंग अप्रैल के महीने में स्टार्ट होती है तो ज्यादा चांसेस हैं कि फिल्म समर 2025 में देखने को मिलेगी। सालार 2 के बाद प्रभास संदीप रेड्डी वांगा की अगली फिल्म स्प्रिट में काम करेंगे। स्प्रिट फिल्म की शूटिंग साल के एंड तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म भी 2025 में रिलीज होगी। तो आने वाले टाइम प्रभास की कई बड़ी फिल्में आने वाली हैं। क्या कहना चाहेंगे आप प्रभास की आने वाली फिल्मों के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि डायरेक्टर अदित्य धर रणवीर सिंह के साथ एक बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म के लिए बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग अभी समर 2024 में स्टार्ट होगी। जी हाँ, पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी रणवीर सिंह सिंघम अगेन की शूटिंग कर रहे हैं और उसके बाद वो फरहान अख्तर के साथ डॉन 3 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है और कहा जा रहा है कि डॉन 3 से पहले रणवीर सिंह अदित्य धर की फिल्म में काम करेंगे। खबरों की माने तो रणवीर सिंह ने ये फिल्म साइन कर ली है और वो इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल एंड या फिर मई के शुरू में स्टार्ट करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो भाई अब डॉन 3 में काफी टाइम लगेगा। अगर इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल में स्टार्ट होती है तो ये फिल्म साल के एंड तक कंप्लीट होगी। और अगर उसके बाद रणवीर सिंह डॉन 3 की शूटिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर डॉन 3 2025 एंड या फिर 2026 में ही रिलीज होगी। काफी कंफ्यूजिंग है, तो देखते हैं रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्मों को लेकर आगे क्या होता है। अगर आप भी मैदान फिल्म का इंतजार कर रहे हैं तो भाई आपको जानकर खुशी होगी कि मैदान का ऑफिशियल ट्रेलर 7 मार्च को आ सकता है। जी हाँ, खबरों की माने तो मैदान के ट्रेलर को 7 मार्च को एक बड़े इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। 7 मार्च को ट्रेलर रिलीज होगा और 8 मार्च को ये ट्रेलर अजय देवगन की फिल्म शैतान के साथ बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। तो अगर आप भी शैतान फिल्म देखने जा रहे हैं तो आपको शैतान फिल्म के साथ मैदान का ट्रेलर भी देखने को मिलेगा। मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी इंडियन फुटबॉल के सबसे बेहतरीन समय 1952 और 1962 के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। अजय देवगन फिल्म के लीड रोल में है, जो इस फिल्म में जाने माने फुटबॉलर सैयद अब्दुल रहीम के रोल में नजर आएंगे। तो मैदान का ऑफिशियल ट्रेलर 7 मार्च को रिलीज होगा और ये फिल्म इसी साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। और अदा शर्मा की आने वाली फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी का ट्रेलर कल 5 मार्च को रिलीज होगा। बस्तर द नक्सल स्टोरी एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी बस्तर और वहां के नक्सलियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। सुदीप्तो सेन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, जिन्होंने द केरला स्टोरी को डायरेक्ट किया था। तो बस्तर द नक्सल स्टोरी का ट्रेलर कल 5 मार्च को रिलीज होगा और ये फिल्म 15 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और खबरों की माने तो डॉन 3 को केरा आडवाणी ने 13 करोड़ में साइन किया है। ये केरा आडवाणी की अब तक की सबसे बड़ी फीस है, जहां उन्होंने एक सिंगल फिल्म के लिए 13 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। ये वॉर 2 से भी ज्यादा फीस है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वॉर 2 के लिए केरा आडवाणी ने करीब 6-7 करोड़ चार्ज किया है, लेकिन वहीं डॉन 3 के लिए उससे डबल यानी कि 13 करोड़ चार्ज किया है। डॉन 3 की शूटिंग साल के एंड तक स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि डॉन 3 की शूटिंग कब तक स्टार्ट होगी, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको सोशल मीडिया पर बता देंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चियान विक्रम की अगली फिल्म चियान 62 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। चियान 62 एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसे SU अरुण कुमार डायरेक्ट करेंगे। अरुण कुमार ने 2023 की ड्रामा फिल्म चिता को डायरेक्ट किया था, जिसे काफी पसंद किया गया था। तब अरुण कुमार विक्रम की अगली फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, जिसमें विक्रम के साथ SJ सूर्या को भी साइन किया गया है। इस अनटाइटल फिल्म की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी। वैसे अभी तो लोग थंगलान फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक थंगलान की ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है। पर जैसा कि हमने आपको बताया था कि थंगलान के मेकर्स इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, तो ये फिल्म अप्रैल एंड या फिर मई के शुरू में देखने को मिलेगी। देखते हैं थंगलान की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। काफी पहले खबर आई थी कि डायरेक्टर लोकेश कनगराज LCU की एक शॉर्ट फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, जिसकी कहानी कई थी और विक्रम से कनेक्ट होगी। तो खबरों की माने तो इस शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और आने वाले कुछ दिनों में इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस होगी।
10 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जिसे किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। इस शॉर्ट फिल्म में अर्जुन दास और कालिदास जयराम अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो बहुत जल्द हमें लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक शॉर्ट फिल्म देखने को मिलेगी जिसमें हमें LCU के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और राणा दग्गुबाती ने आज से वेटायन की शूटिंग स्टार्ट कर दी है। वेटायन की शूटिंग काफी हद तक कंप्लीट हो गई है और कहा जा रहा है कि फिल्म की पूरी शूटिंग मिड अप्रैल तक खत्म हो जाएगी। वेटायन रजनीकांत की अगली फिल्म है जिसे टीजे गनानवेल डायरेक्ट कर रहे हैं। तो वेटायन की शूटिंग मिड अप्रैल तक खत्म हो जाएगी और ये फिल्म इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। जैक रायन के एक्टर वेंडल पियर्स को सुपरमैन फिल्म में साइन किया गया है। वेंडल पियर्स सुपरमैन फिल्म में डेडी प्लैनेट के एडिटर पेरी वाइट के रोल में नजर आएंगे। सुपरमैन फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है जिसे जेम्स गन डायरेक्ट कर रहे हैं। जेम्स गन के डायरेक्शन में बन रही नए DC यूनिवर्स की ये पहली फिल्म जुलाई 2025 में रिलीज होगी। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से जुड़ी खबर आ रही है कि डिज्नी ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 में जॉनी डेप को सपोर्टिंग रोल के लिए अप्रोच किया है। जी हाँ, लीड रोल नहीं बल्कि डिज्नी चाहता है कि जॉनी डेप पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 में सपोर्टिंग रोल करें। मुझे ऐसा लगता है कि डिज्नी चाहता है कि भले ही जॉनी डेप लीड रोल ना करें लेकिन कम से कम वो सपोर्टिंग रोल करें ताकि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियंस के फैंस इस 6th फिल्म से डिसअपॉइंट ना हो। एम्बर हर्ड के केस के बाद डिज्नी ने जॉनी डेप को लीड रोल के लिए कहा था लेकिन जॉनी डेप ने डिज्नी को मना कर दिया था, लेकिन डिज्नी अभी भी जॉनी डेप के पीछे लगा हुआ है। तो खबर ये है कि लीड रोल नहीं बल्कि जॉनी डेप पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 में सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद जॉनी डेप सपोर्टिंग रोल भी नहीं करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे आप जॉनी डेप और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रियंका चोपड़ा की एक नई हॉलीवुड फिल्म अनाउंस की गई है जिसका नाम होगा द ब्लफ। द ब्लफ फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ दी बॉयज के एक्टर कार्ल अर्बन लीड रोल में नजर आएंगे। एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म होगी जिसमें प्रियंका चोपड़ा एक समुद्री डाकू के रोल में नजर आएंगी। अभी ज्यादा अपडेट नहीं है पर खबरों की माने तो प्रियंका चोपड़ा की ये फिल्म डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। मॉन्स्टरवर्स की आने वाली फिल्म गोडजिला एक्स कॉन्ग का एक नया ग्लिम्स रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप कॉन्ग को एक्शन अंदाज में देख सकते हैं। वैसे ये सीन काफी इंटरेस्टिंग है जहाँ कॉन्ग गोडजिला की सवारी कर रहा है, तो ग्लिम्स काफी अच्छा है। बाकी टीजर ट्रेलर तो आप सबने देखा ही होगा। देखते हैं गोडजिला एक्स कॉन्ग फिल्म कैसी होती है। गोडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर 29 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सारा अली खान की आने वाली फिल्म ए वतन मेरे वतन का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। ए वतन मेरे वतन के ट्रेलर में दिखाया गया है कि सारा अली खान महात्मा गांधी से प्रेरित होकर कुछ लोगों के साथ एक रेडियो स्टेशन चालू करती है जहां वो लोगों को आजादी के लिए जागरूक करती है। तो इस फिल्म की कहानी भी आजादी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। ट्रेलर अच्छा लग रहा है तो देखते हैं फिल्म की कहानी कैसी होती है। ए वतन मेरे वतन इसी महीने 21 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर रिलीज होगी। इस महीने सारा अली खान की 2 फिल्में आने वाली हैं और ये दोनों फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी। मर्डर मुबारक 15 मार्च को Netflix पर और ए वतन मेरे वतन 21 मार्च को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। तो आप सारा अली खान की इन दोनों फिल्मों में से किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी Facebook, WhatsApp, Twitter पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।